सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, देखिए यहाँ पे लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए। हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। और आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से कि मेरी खोज एक और पर्टिकुलर स्टॉक पे है, जिसके लिए सभी मेरे निवेशक, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने शेयर मार्केट में लोग, वो सबकी ख्वाहिश है कि उनको कोई एक ऐसा मल्टीबैगर कंपनी, एक ही नहीं कई मल्टीबैगर कंपनीज इसके स्टॉक्स मिलें, जिनसे वो कुछ समय में अपना पैसा डाल के एक लंबी अवधि में, और जब भी उनका रिटर्न मिल जाए, बढ़िया रिटर्न मिल जाए। जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग, राकेश झुनझुनवाला साहब, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मल्टीबैगर रिटर्न मिल कंपनियों से अच्छा रिटर्न मिला और आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। तो हमारा भी यही मकसद है कि शेयर मार्केट में अगर हम हैं तो अच्छा रिटर्न कमाएं। तो उसके लिए जो मेरे चैनल में जो मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूं, तो हर तरीके की होती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, है ना। तो अब एक मेरी कोशिश और है कि माइक्रो कैप कंपनी का मैं आपको मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ के दूँ, ताकि देखिए चलता सिर्फ माइक्रो कैप कंपनियाँ ज़बरदस्त रिटर्न देती, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब सेंसेक्स पे भारी मार पड़ती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी माइक्रो कैप कंपनीज के स्टॉक्स को होता है, उनका प्रीमियम ज़बरदस्त टूटता है। तो नो डाउट, अगर जिनकी उम्र कम है, जिनमें कुछ थोड़ा सा रिस्क लेने की ताकत है, जो चाहते हैं कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमको मिल जाए, तो रिस्क थोड़ा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, रिस्क लेना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ेगा, खोना तो मैं दूंगा नहीं आपको। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, वैसी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में मैंने देखा, उसके प्रोडक्ट के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने वेबसाइट पे उनके सारे प्रोडक्ट्स देखे। अब आपको मोटा मोटी मैं बताऊंगा कि कहाँ कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाने में बन जाएगा 45 मिनट्स का वीडियो। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, पहले उनकी पहले हम उसका नाम बता दें आपको। इसका नाम है कांची कर्पूरम लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर हम उनकी वेबसाइट पर हैं, इनका क्या कहना है, ब्रीफ में पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। कांची कर्पूरम इज साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैरायटी ऑफ टर्पाइन एंड पेपर केमिकल्स। अवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड टर्पेंटाइन बेस्ड केमिकल्स सच एज कैम्फोर, डाइपेंटाइन, इसोबोर्नी एसिटेट एंड सोडियम एसिटेट, डेरीहाइड्रेट, गम रोजिन एंड इट्स डेरिवेट्स सच एज 40-5 रोजिन, ईस्टर गम, फेनोलिक, मनेलिक रिजाइंस। वी आर कीन टू डेवलप एंड एक्सपेंड अवर कस्टमर बेस टू प्रोवाइड इंडस्ट्रीज विद स्टेबल एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इनपुट्स फ्रॉम अ टोटली न्यू सोर्स। वी आर कमिटेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, बिलीव इन कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड बी द रिलायबल सप्लायर ऑफ नीड। दोस्तों इनका ये कहना है, रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर्स देखिए, पेंट्स, लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, टायर्स, लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, पेपर, क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, फ्रेग्रेंस, कम्फोर, रबर, ये हैं इनके कस्टमर्स। तो दोस्तों देखा अभी कंपनी क्या करती, इनके लिए वो केमिकल और जो भी बहुत सारे केमिकल के नाम थे, मैं तो बहुत जानता भी नहीं था बहुत केमिकल्स के बारे में, पहली बार मैंने पढ़ना पड़ता है, क्या करें। तो मैनेजमेंट के बारे में मैंने पढ़ा, इनकी फाइनेंशियल शीट्स भी देखी, बैलेंस शीट भी देखी, और मैं मोटा मोटी आपको दिखाऊँगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और चलिए हम चलते यहाँ पर, वेरी सॉरी, 52 वीक लो था 193 का, 52 वीक हाई था 665 रुपये का, और आज जो भाव इसका चल रहा है 326 रुपये इसका भाव है। मार्केट कैप है देखो 130 करोड़ का, ऑब्वियसली माइक्रो कैप कंपनी है, और फेस वैल्यू है 10 की। तो अभी अगर आपको ये महंगा लग रहा हो 326, तो आप ऐसा मत सोचिए। पी रेशियो देखिए 4.51 का, अर्निंग पर शेयर बाप रे बाप 70.07, क्या ज़बरदस्त है। प्राइस टू बुक है 2.50, डिलीवरेबल है 100%। अब हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे, आपको कुछ चीज़ें और दिखा दें। ये बताना चाहूँगा कि डिलीवरेबल 100% हम देख ही चुके हैं, पी भी देख चुके हैं, इंडस्ट्री पी देखिए 26 के, और पी इसका है 4.65 का, और डिविडेंड भी पे करती है, डिविडेंड यील्ड 0.61% का है।
अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, लगता होगा कि इसका प्रीमियम जो है कांची कर्पूरम का 326 रुपये है एक माइक्रो कैप कंपनी, क्योंकि इसकी इतनी कमाई ज़बरदस्त है। इतना देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखिए 70 रुपये के आसपास है, एक स्टॉक में इतने में इतना वो कमाती है। तो आज जो है मार्च 27, 2019 और BSE 11:23 326 रुपये 10 रुपये की आज बढ़त पे है। और दोस्तों मैं बता दूं कि 326 रुपये ये महंगा नहीं है, जिस हिसाब से कंपनी की कमाई है, जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट, जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यू है, उस हिसाब से 326 रुपये नथिंग है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो फेस वैल्यू अभी 10 की है, होता क्या है कि हो सकता है इन्होंने अभी इनका मैनेजमेंट अगर डिसाइड करे भविष्य में कि चलो हमें लोगों को प्रीमियम बहुत महंगा लगता है, स्टॉक प्राइस बहुत महंगा लगता है, तो इसकी फेस वैल्यू तोड़ देंगे। तो होता क्या है कि फेस वैल्यू तो ये भाव टूट वही जाता है और जितना वो अर्निंग उसकी होती है उसमें डिवाइड। मान लीजिए कि आपने एक तरबूज लाया, उसकी कीमत 100 रुपये है, अब उसको आप 10 भागों में बांट दिया, 10 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में, जितने में भी आपने डिवाइड किया, तो मान लीजिए 10 टुकड़ों में कर दिया, तो उसकी जो उसका भाव होगा प्रीमियम वो 10 रुपये का हो जाएगा 100 रुपये वाला। तो क्या होगा कि वो सिर्फ एक 100 रुपये वाला स्टॉक 10 पे स्प्लिट हो गया, तो उसके 10 भाग हो गए, लेकिन कंपनी की वैल्यू वही है, उसकी कमाई उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर वही है, तो कमाई भी बढ़ जाएगी 10 में। तो ऐसा मान के चलिए कि ये जो स्टॉक प्राइस है इतना महंगा इसको नहीं कहते, जबकि कंपनी की वैल्यू के अनुसार। आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए एनुअल रिजल्ट्स है, ईयर टू ईयर ग्रोथ मार्च 17 और मार्च 18 के बीच 77.18% की जो है इसमें बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो यहाँ 278% की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 400% की बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 11.21% की बढ़त है। एवरेज क्वालिटी कंपनी चूँकि माइक्रो कैप है तो अभी ये लोग लगे हुए हैं अपने एक्सपेंशन में, तो बहुत ज़्यादा अभी मैनेजमेंट रिस्क और ग्रोथ यहाँ पे और कैपिटल स्ट्रक्चर के अनुसार अभी एवरेज क्वालिटी कंपनी। सेल्स ग्रोथ देखिए 34.26 की है और EBIT ग्रोथ है 158.67% की। नेट डेट इक्विटी 1.25 की और प्ले शेयर 0 है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, अभी ये अट्रैक्टिव पे मिल रहा है। और ROC जो इसका 57.17 है, ROE देखिए ज़बरदस्त 53.83% का है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है और रिटर्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 4 सालों से दिखा रहा है, इसका मतलब यहीं पे लिस्ट हुई होगी और चार सालों में इन्होंने 1461% का रिटर्न दिया है। मतलब 4 सालों में इन्होंने आपके पैसे को 14 गुना कर दिया है। 3 सालों में 1556%, 2 सालों में 474% और 1 ईयर में 50, मतलब इस साल भी अगर आपने पैसा लगाया होता तो एक साल में भी करीब आपको 50% से ज़्यादा का मुनाफा। ईयर टिल डेट में यहाँ पे नेगेटिव में है 30% का। 6 मंथ में जो है 38 पॉइंट का नेगेटिव में है। 3 मंथ्स में भी 30% के करीब नेगेटिव। 1 मंथ में फिर से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, 3.13% की अपसाइड है। 1 वीक में 1.1% के 1.5% गिरावट है और 1 डे में 3% की अपसाइड है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है एज इट इज़ है, जो सितंबर क्वार्टर में थी और दिसंबर में भी एज इट इज़ है 41.67%। और एक भी शेयर गिरवी नहीं। दरअसल होता क्या है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो अपना विस्तार करती तो उनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी इनका शेयर एक भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 2 स्कीम्स ने पैसे लगा रहे, FII 0 है यहाँ पे, हेल्ड इन 2 स्कीम्स 0.8% म्यूचुअल फंड्स। और इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टर्स हैं, खुदरा ग्राहक हम आप जैसे लोग 46.18% की ज़बरदस्त होल्डिंग के बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 रुपये का ये डिविडेंड देती है ज़बरदस्त, माइक्रो कैप कंपनी है और डिविडेंड 2 रुपये का दे रही है। कांचीपुरम अपनी इंडस्ट्री में 65th नंबर पे है। तो दोस्तों अभी हमने इसके मोटा मोटी सारे हम देख लिए, इसके जो कंपनी क्या करती है केमिकल से संबंधित है और उसके क्लाइंट्स भी देखे। और माइक्रो कैप कंपनी छोटी कंपनी है तो मैं तो बहुत ही इससे प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कि ये माइक्रो कैप जब इसका समय आएगा, जब सेंसेक्स का अच्छा समय आएगा तो सबसे भागने में भी स्पीड में यही नंबर 1 कंपनियाँ होती हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक्स खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल से ज़रूर मशवरा करें एडवाइज़र से।
हमारा काम है सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताना, बुरे स्टॉक्स के भी बारे में बताना कि उनसे आप दूर रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।